मियोसिस स्टार्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है दैट रिड्यूसिज क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड डॉटर सेल्स। तो ये स्पेशल प्रकार का सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे रह जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो डिप्लोइड सेट था वो हैप्लोइड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके की फीचर क्या रहेंगे, मेन मेन पॉइंट क्या रहेंगे, इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। तो इसके अंदर दो साइकिल रहेंगे सीक्वेंशियल, मतलब एक के बाद एक आते हैं, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू, दो भाग में होती है ये। बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो इंटरफेज स्टेज होती है वो तो एक ही रहती है, उसमें उसमें हम पढ़ते हैं जो एस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक बार ही होता है। तो सबसे पहले मियोसिस वन देखते हैं क्या है। इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रिप्लिकेटेड, जैसे ही पेरेंटल क्रोमोसोम वो अपनी कॉपी बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद जी टू फेज आती है, और जी टू के बाद एम फेज है वो स्टार्ट हो जाती है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। तो इसके अंदर एस फेज में क्या होता है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो बनती हैं, मतलब नई सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगी। इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके बीच में रिकम्बिनेशन होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है। यहाँ पे वहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल लाइन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग में आते हैं फॉर हैप्लोइड सेल्स। और यहाँ पे एक खास बात ये रहेगी कि मियोसिस टू जैसे ही कंप्लीट होगी चार यहाँ पे हैप्लोइड सेल्स बनेगी, जैसे कि माइटोसिस में हमने दो देखा है टू डॉटर सेल में डिवाइड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चार हैं वो डॉटर सेल्स बनेगी मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है। फेजिज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अलग अलग फेजिज क्या क्या आते हैं, इनमें हम टेबल से समझ सकते हैं। मियोसिस वन है, उसके प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, और यही सेम साइकिल मियोसिस टू के अंदर रिपीट किया जाता है। थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो प्रोफेज वन रहता है, यही टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उसके बाद एक बार ये प्रोफेज वन हो जाता है तो उसके बाद बाकी के जितने भी सातों के सात स्टेप हैं वो फटाफट कंप्लीट होते हैं। मियोसिस वन, तो इसमें जो प्रोफेज वन है ये लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। यदि हम जो माइटोसिस का प्रोफेज वन है उसके साथ कंपेरिजन करें तो इसको हम आगे फाइव फेजिज के अंदर सब डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर किस बेस पे जी क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है अलग अलग रहता है, अलग अलग जो फेज है उसके अंदर। जैसे सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज, तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है उसके नीचे हम यदि क्रोमोसोम देखना चाहें तो थोड़े बहुत वो दिखना शुरू हो जाते हैं, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और उनकी कॉम्पैक्टेशन है, मतलब जो कंडेंसेशन है, जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है वो एक जगह पे एकजुट हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर है वो विजिबल हो जाती हैं। जो सेकंड स्टेज है वो जाइगोटीन स्टेज होती है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, पेयरिंग बननी शुरू हो जाएगी, जिसको साइनेप्सिस बोला जाता है। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस मतलब आइडेंटिकल, जो एक दूसरे की कॉपी होती हैं, अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। तो जो पेयरिंग में स्ट्रक्चर पाई जाती हैं तो इनको सेनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स एक जटिल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मड बाय ए पेयर ऑफ सेनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बायवेलेंट और टेट्राड। तो जब पेयरिंग की वजह से जो एक स्ट्रक्चर बनती है, सेनेप्स्ड का मतलब एक दूसरे के पास आए हुए क्रोमोसोम्स को, सेनेप्सिस मतलब उसी को बोला जाता है जब दो चीजें पास पास में आ जाती हैं, तो इसको बायवेलेंट बोल सकते हैं या फिर टेट्राड। टेट्राड किस बेस पे, जैसे जो क्रोमेटिड्स होती हैं एक क्रोमोसोम में दो होती हैं, और जब दो क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए तो चार हो जाती हैं, तो टेट्राड इसलिए बोला जाता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बेस पे बोला जाता है कि दो क्रोमोसोम वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए बाइवेलेंट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। जो पहली जो स्टेज है लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये बड़ी जल्दी हो जाती हैं, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है इनका। पैकेटिनी स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज रहेगी, फोर क्रोमेटिड्स थी जो हमने ऊपर देखी थी बायोलेंट क्रोमोसोम्स की, जो टेट्राड फॉर्मेशन हुआ था, डिस्टिंक्ट वो अलग अलग हो जाती हैं और क्लियरली अपियर एज टेट्राड, वो चार की फॉर्म में दिखाई देती हैं। अपियरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, साइट्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, एक जो क्रोमोसोम है पेयर में था वहाँ पे, और एक जो सिंगल क्रोमोसोम है उसके जो क्रोमेटिड उनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, और जो पेयरिंग में जो दूसरा क्रोमोसोम उसके पास प्रेजेंट है तो उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं
तो पहले वाले के साथ में नॉन सिस्टर कहलाएंगी, वो अलग अलग मानी जाती हैं। तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कुछ गांठें सी बनेंगी और वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो कि रिकम्बिनेशन का कारण बनती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर एक स्पेशल इवेंट देखने को मिलता है पैकेटिनी स्टेज के अंदर। एंजाइम रिकम्बिनेज वो इसकी मदद करता है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है एक सिस्टर क्रोमेटिड से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में, वो एक्सचेंज किया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ही। लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बाइन का मतलब उनका नया नया कम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि वेरिएशन कोज करता है। और जो मियोसिस है, हमको पता है गैमेटोजेनेसिस में बनती है, और गैमेट्स जब बनते हैं तो वो थोड़े चेंज होके बनते हैं, और जब आगे जाके वो दोबारा कंबाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट, और ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पे आती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का जो सीक्वेंस है, तो वो मियोसिस वन से ही स्टार्ट हो जाता है, पैकेटिनी स्टेज से ही। उसके बाद है प्रोफेज वन में ही जो चौथी स्टेज है वो देखेंगे, डिप्लोटिनी स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ क्याजमेटा। तो यहाँ पे क्याजमेटा स्ट्रक्चर बनती है, क्या होती है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि डिजोल्यूशन ऑफ सेनाटोमियल कॉम्प्लेक्स, जो सेनाटोमियल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बनी हुई थी उनके डिजोल्यूशन का मतलब उनके अलग अलग होने की वजह से बनता है, जिसमें सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, केवल किस जगह से अलग नहीं होते, वो क्रॉस ओवर से। क्रॉस ओवर मतलब जहाँ पे उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो वो वाला रीजन चिपका रह जाता है, बाकी दूसरी स्ट्रक्चर हैं, दूसरे सिरे हैं, वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर है एक्स शेप्ड बनती है। कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन ऊ साइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। जो ऊजेनेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें ओवम बनते हैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, तो ये प्रोसेस कई सालों तक भी कंप्लीट नहीं होती है, काफ़ी टाइम ले लेती है कंप्लीट होने में, जो कि 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ा जाएगा। डाइकाइनेसिस स्टेज, मार्कड बाय टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा। तो डाइकाइनेसिस स्टेज ये 5th स्टेज होती है, जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन का मतलब जो क्याजमेटा बना है ऊपर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, और यहाँ पे जो स्टेज ऐसी है जहाँ पे जो कॉम्पैक्टेशन है क्रोमोसोम्स की, वो कंप्लीट हो जाती है, और मियोटिक स्पिंडल्स इज असेंबल्ड। जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, किसके पास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसमें सेपरेशन के लिए उनको तैयार किया जाता है। न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियर जो डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि साइट होता है आरएनए सिंथेसिस की, तो वो भी यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायकाइनेसिस का मतलब है दो न्यूक्लियस का होना, और वो एक है ट्रांजिशन स्टेज, थोड़े टाइम के लिए रहती है, और उसके बाद मेटाफेज स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है, मेटाफेज वन जो स्टेज है। उसके बाद जो ये पांच जो स्टेजेज हमने पढ़ी है, इनको डायग्राम से समझेंगे, जैसे लेप्टोटिनी है, उसके बाद जाइगोटिनी है, उसके बाद पैकेटिनी, डिप्लोटिनी और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की खास बात क्या होती है, प्रोफेज बिगिंस, क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनके ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे, ग्रुप में रहेंगी ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस पेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग, लेकिन ये कलर अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये जो रेड कलर है वो सिस्टर क्रोमेटिड एक की है, दूसरे की ब्लू कलर की रिप्रेजेंट करके। तो यहाँ पे सैनेप्सिस या सेनाप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है पेयरिंग से। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में जैसे ब्लू कलर का जो पोर्शन है, एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है पेयरिंग में ही है, होमोलोगस पेयरिंग में, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और वो एक्सचेंज कैसे होता है, एक की जो आर्म है दूसरे के ऊपर चली जाती है, तो ब्लू कलर का कुछ पोर्शन है वो रेड पे आ जाता है, और रेड का पोर्शन ब्लू पे चला जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिनी स्टेज में, डिप्लोटिनी स्टेज में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होता है, और क्याजमेटा विजिबल बायवेलेंट, वो बायवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम का बना हुआ दिख सकता है, और उसके बाद जो क्याजमेटा है वो हटना शुरू हो जाता है, यहाँ से एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है वो टर्मिनलाइज हो जाएगी, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है डाइकाइनेसिस स्टेज में। डाइकाइनेसिस मतलब टू न्यूक्लियस टाइप की जो स्टेज है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो ओवरव्यू है हम ले सकते हैं प्रोफेज वन का, जिसके अंदर जो ये क्रॉसिंग ओवर होती है ये मेटाफेज स्टेज में होती है वैसे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं
ब्लू कलर का कुछ पोर्शन इस पे आ जाता है पर्पल कलर पे, और पर्पल कलर का कुछ पोर्शन है वो ब्लू कलर वाले क्रोमोसोम पे चला जाता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयरिंग में प्लेट बनती है जो वो आगे भी देखेंगे मेटाफेज प्लेट में। और एक क्याजमेटा जो बना है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, वो कैसे बना हुआ है, जो एक क्रोमोसोम है उसका एक सिरा एक साइड में चला जाता है और जिस साइड से पेयरिंग हो रही है उनकी आपस में तो वो वाला पोर्शन एक साइड पे उनको चिपकाए रखता है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर देख सकते हैं, एक का पर्पल कलर है और दूसरे का जो थोड़ा ग्रीनिश कलर है वो, तो अलग अलग क्रोमोसोम को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो उसका 3D व्यू आपको दिखा रखा है जो बनता है किसके अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर। उसके बाद है मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, ये इनके अंदर कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो मेटाफेज में हमने पढ़ी थी, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी हो जाती हैं। मेटाफेज वन के अंदर क्या है, बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंस ऑन इक्विलेटरल प्लेट। तो बायोवेलेंट क्रोमोसोम मतलब जोड़ों में जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं इक्विलेटरल प्लेट के ऊपर, एक मेटाफेज प्लेट बनती है। लेकिन यहाँ पे जो खास बात है वो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाएंगे। माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल, जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो छोटे छोटे जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे बननी स्टार्ट होंगी, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होंगे। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर जो रीजन होता है सेंट्रोमियर के ऊपर उनके साथ अटैच होते हैं। एनाफेज वन, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या होते हैं, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो एसोसिएट नहीं होंगी, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होंगी। जो माइटोसिस में हमने देखा था सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे एक साथ में जाएंगी मियोसिस वन की बात जो हम करेंगे उसके अंदर। टेलोफेज में क्या रहेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस है ये रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी, साइटोकाइनेसिस होगी, फॉलोज डायड ऑफ द सेल मतलब दो ग्रुप बनाएंगी सेल का जिसको डायड बोला जाता है। क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, क्रोमोसोम भी हो सकता है थोड़े बहुत डिस्पर्ज हो जाए वहाँ पे, डिकंडेंस्ड हो जाए, बट डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे टोटली डिकंडेंसेशन नहीं होता है क्योंकि इसके बाद इनको नेक्स्ट वाली जो मियोसिस टू है उसको भी शुरू करना होता है। उसके बाद इंटरकाइनेसिस, ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है किसके बीच में, दो जो मियोटिक डिविजन्स हैं उनके बीच में, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में छोटा सा जो टाइम इंटरवल होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इस केस के अंदर कोई भी डीएनए है उसका रेप्लिकेशन नहीं होता है, और एप्लीकेशन जो होना था वो इंटरफेज में ही हो लेता है इसे मियोसिस से पहले। और उसके बाद इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज टू, और इंटरकाइनेसिस के बाद जो स्टेज शुरू होती है वो प्रोफेज टू होती है। इनका पीक एक साथ इकट्ठा देखेंगे हम बाद में लास्ट एक स्लाइड में। मियोसिस टू क्या है, प्रोफेज टू इनिशिएटेड इमिडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, जिसके अंदर क्या होगा, ये आफ्टर का जो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो इलोंगेट होंगे, यहाँ पे कॉम्पैक्टेशन है दोबारा होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोबारा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, कंडेंसेशन है जो क्रोमोसोम्स की वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो मियोसिस टू है ना माइटोसिस जैसे ही होती है, तो जो स्टेजेस हैं वो सेम ही रहती हैं यहाँ पे माइटोसिस वाली। जैसे मेटाफेज टू के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आएंगे, और माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो अपोजिट पोल्स से आएंगे स्पिंडल फाइबर्स के पास आके, वो काइनेटोकोर्स रीजन है जो सिस्टर क्रोमेटिड्स का। तो यहाँ पे जो मेटाफेज प्लेट बनेगी ना वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स ले लाइन की बनेगी, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे अलग बात है जो कि माइटोसिस से मिलती जुलती है। और यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगी एनाफेज टू के अंदर, जो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है बीच में से, अलोइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग पोल पे जो सेंट्रोमियर हैं सेंट्रोसोम्स हैं सेंट्रोसोम्स उनके साथ जाके वो अटैच हो जाती हैं, बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू द काइनेटोकोर्स। तो जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो छोटे होते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स को वो अलग अलग पोल पे जाके लेके चले जाते हैं। टेलोफेज टू, टू ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम के वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवलप। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के दो अलग अलग ग्रुप बने हैं वो वापस दोबारा फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो जाते हैं,
और साइटोकाइनेसिस क्या रहता है, फॉलोइंग रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राडो सेल। तो यहाँ पे चार सेल बनती हैं फाइनल में, फोर हैप्लोइड सेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो हमने देखा था, जो होमोलोगस पेयरिंग में जो क्रोमोसोम थे वो शुरुआत में ही अलग अलग हो गए थे, उसके बाद तो कॉन्टेंट ही अलग अलग हुआ था। जो क्रोमेटिड्स हैं वो तो कॉपी होती हैं एक दूसरे की, तो जो मेन सेट था वो मियोसिस वन के अंदर ही अलग अलग हो जाता है, हैप्लोइड सेट रह जाता है। उसके बाद हैप्लोइड सेल की जो कॉपी ही बनती हैं वो माइटोसिस जैसे ही होती हैं मियोसिस टू के अंदर। तो यहाँ पे मियोसिस का एक कंप्लीट डायग्राम हम ले सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है, और जो सेल के अंदर हम देख सकते हैं जो दो सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं इंटरफेज स्टेज में, और जैसे मियोसिस वन के अंदर जाएगी तो इसके अंदर क्या है, प्रोफेज वन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर सेनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर वगैरह बनती है, क्याजमेटा वगैरह बनते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर और रिकम्बिनेशन फिनोमिना है वो प्रोफेज वन में। और साथ साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पे जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद वो अपोजिट पोल पे मेटाफेज के अंदर चले जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम दो जोड़ों में यहाँ पे क्या मिलेगी, एक मेटाफेज प्लेट मिलेगी, और उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होती हैं, वो एक साथ जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एक क्रोमोसोम की सारी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक साइड में जाएंगी, तो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ना कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग नहीं होती, सेंट्रोमियर नहीं टूटता इनके अंदर। उसके बाद टेलोफेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम है बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस वन के अंदर क्या होता है, जो दो हैप्लोइड टू डिप्लोइड डॉटर सेल्स, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं दो, और यहाँ पे हैप्लोइड बनती हैं वो, क्योंकि क्रोमोसोम का पेयर है ना, पेयर वो अलग अलग हो जाता है, तो इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लोइड बनती हैं, और जो हैप्लोइड डॉटर सेल है वो आगे जाके फिर वो अपना जो सेट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बस ओनली, जो कि मियोसिस टू में होता है। इसके बीच में एक इंटरवल होता है जिसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, एक काइनेसिस और दूसरे काइनेसिस के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और जिसके अंदर जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर सेम उसी प्रकार का जो साइकिल है वो चलेगा, लेकिन इसके अंदर जो मेटाफेज प्लेट है वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स की बनेगी, और उसके अंदर उनकी स्प्लिटिंग होगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग चली जाएंगी, और अलग अलग जाने के बाद हैं जो टेलोफेज में बिल्कुल पोल पे चली जाएंगी, और पोल पे जाते जाते साथ में साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसके अंदर जो चार हैं, जैसे इस सेल में अलग से डिवीजन होगा, सेल में अलग से, तो जिससे एक सेल है वो दो के अंदर जाएगी और हैप्लोइड डॉटर सेल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मियोसिस वन के अंदर ही हैप्लोइड सेट आ जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो पेयर में थे, जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में आते हैं 23 23 के, तो उनका जो पेयरिंग है वो यहीं से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एक पेयर एक साइड में चला जाता है, एक पेयर एक साइड में, मतलब 23 क्रोमोसोम एक साइड में, 23 एक साइड में, तो ये हैप्लोइड बनता है यहाँ पे। डिप्लोइड तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो मिलेगी नहीं, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम शुरुआत से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस है वो कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एनश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजिंग रिस्टोर डिप्लोइड फेज। तो क्या करती हैं ये जो मियोसिस है, हैप्लोइड जो गैमेट्स बनते हैं, किनके अंदर जो जीव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, गैमेट्स बनते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज हो के जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट क्या करता है, जो सारे सेट है उसको दोनों साइड से आएंगे वो मिलके डबल बनेगा, तो डबल से पहले ही उसको अलग अलग कर लिया जाता है, आधा बना लिया जाता है, हैप्लोइड सेट बना लिया जाता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही। तो एक प्रकार का इवोल्यूशन ही है ये, जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस है वो आधा कर देता है सेट को, और जब फर्टिलाइजेशन है वो वापस डिप्लोइड सेट है वो बना लेता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहाँ पे यूज होती है ये हैप्लोइड जो गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो सिंगल सेट क्रोमोसोम का लिए होते हैं, तो उसमें मियोसिस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑल्दो प्रोसेस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, बट वैसे तो यदि देखें तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा रह जाता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी की वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कंजर्व रहता है, जो कैसे यदि गैमेटोजेनेसिस में हैप्लोइड
क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, हैप्लोइड सेट नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब यदि डिप्लोइड के अंदर डिप्लोइडी गैमेट बने तो आगे से भी एक डिप्लोइड गैमेट ही आएगा फ्यूजन होने के लिए, और फ्यूजन होते ही क्या बन जाएंगे, वो टेट्राप्लोइड कंडीशन बनेगी, उसके बाद ऑक्टाप्लोइड, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा तो 16, फिर 32। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर है हर जनरेशन में बढ़ते चले जाएंगे, ये एक जैसे नहीं रह सकते। और जो मियोसिस है इसी की वजह से जो कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, जैसे 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर फिक्स ही रहते हैं, कितनी पीढ़ी चली जाए 46 ही रहेंगे, वो किस चीज़ की वजह से, क्योंकि गैमेट जब बनते हैं तो हैप्लोइड बनते हैं, वो पहले 23 कर दिया जाता है उनको, उसके बाद क्योंकि पता है भाई 23 दूसरी साइड से भी आएंगे तो इनको वापस 46 ही होना है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होती है, इनक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और इसकी खास बात एक और जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो रिकम्बिनेशन वगैरह हुआ है, जो कि आज मेटा बना है, जिसके अंदर जो जेनेटिक कम्बिनेशन दोबारा देखने को मिले हैं, जो पोर्शन हमने देखा था पर्पल ब्लू वाला एक्सचेंज हुआ था, उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, जो पेरेंट जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी वो पाई जाएगी। लेकिन माइटोसिस के अंदर ऐसी कोई वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाती, वहाँ पे आइडेंटिकल नेचर पाई जाती है, बिल्कुल एक दूसरे कॉपी होते हैं पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। वेरिएशन आर इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और जो जैव विकास होता है, जो अपडेशन आती है, नए नए करेक्टर आते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसकी वजह से उसको नेचर में सर्वाइव करने के और ज़्यादा मौके मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से वो सर्वाइव कर पाता है, तो इन्हीं वेरिएशन के इकट्ठे होने की वजह से इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन, वेरिएशन। और वेरिएशन किसकी वजह से आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो शुरुआत होती है वेरिएशन आने की, हालांकि गैमेट जब फ्यूज होते हैं वेरिएशन वहां से भी आती है, लेकिन उससे पहले जब गैमेट बनते हैं तो वेरिएशन तो वहीं से आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी के बेस पे जो इवोल्यूशन है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है नेचर की, उसमें रोल प्ले करती है मियोसिस प्रोसेस।